जाती रहती है। नागरिक सुरक्षा विभाग में जो जहाँ पर हमारी इकाइयाँ प्रदेश में स्थापित हैं, 70 इकाइयाँ हैं, वहाँ आपदा प्रबंधन में रिस्पॉन्स करने वाला हमारा काम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में है। जिला प्रशासन जिसमें जिलाधिकारी हमारे नियंत्रक होते हैं और हमारे अधिकारी उप नियंत्रक हैं और स्वयं सेवा के जो वार्डन चीफ वार्डन होते हैं, इन सभी का काम ये रहता है कि आपदा प्रबंधन में रिस्पॉन्ड करें। और उसके लिए पहले से ट्रेनिंग हमारे पास है, खास करके जो ट्रेनिंग होती है वो केवल ट्रेनिंग स्किल की नहीं होती बल्कि एटीट्यूड ओरिएंटेशन की भी होती है। स्किल में तो आप आग से लड़ने के लिए या छत से उतरने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं, वो करते बाढ़ में बचाव के करते हैं। एटीट्यूड ओरिएंटेशन में जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जैसे हम अपने कैसे वृद्धजनों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी क्या मदद कर सकते हैं, हम अपने जो महिलाएं हैं और अन्य स्त्रियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको किस प्रकार मदद करते हैं, ये एटीट्यूड ओरिएंटेशन में भी हम अपने स्वयंसेवकों को सिखाते हैं। और आप देखेंगे कि कई जगहों पर हमारे स्वयंसेवकों ने, चाहे भीड़ प्रबंधन के दौरान हो, चाहे नहान के समय हो, वहाँ जहाँ महिलाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है या जहाँ उनको विशेष उनके लिए व्यवस्था करनी है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रशासन का सहयोग किया। सर, किस तरीके से एक पूरा प्रोसेस आप लोग प्लान करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर एकदम से आ जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है, फायर लग जाती है, उसके लिए हमें अचानक से इतने सारे लोगों को रेस्क्यू करना होता है, तो उसके लिए किस तरीके से प्लानिंग है? जी, वही एक व्यवस्था हमारे विभाग की है, जो प्रारंभिक तौर पर हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं स्वयंसेवकों की। 1,08,000 ट्रेनिंग स्वयंसेवकों की हर साल है, अभी दे रहे हैं, 1,15,000 का टारगेट है। तो उनको तरह तरह के देते हैं, जैसे कभी किसी को उठाना है, चोट लग जाए तो उसको किस प्रकार पट्टी बांधनी है, कैसे उसको लिफ्ट करना है, किन परिस्थितियों में कैसे एक्सकवेट करते हैं, उसे निकाल के करते हैं, कब अस्पताल पहुंचाना है, अस्पतालों की लिस्ट है, कहाँ ब्लड देना है, ब्लड डोनर्स की लिस्ट है, इस तरह के काम जहाँ डिजास्टर है उसका रिस्पॉन्स हम लोग और ख़ास करके प्रारंभिक अवस्था में हम लोग करते हैं। बाद में और अन्य एजेंसीज भी आ जाती हैं जो और ज़्यादा सक्षम है, लेकिन सिविल डिफेंस मौके पर तात्कालिक रिस्पॉन्स करने के लिए ही ट्रेंड है और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। जी, थैंक यू सो मच सर। पूरे राष्ट्र में एक अनुमन्य करती है, बहुत प्रतीकात्मक है, इसको अनुमन्य बहुत कम आता, मानदेय भी है और दैनिक भत्ता भी है, बहुत ही 28 रुपये और 31 रुपये है पर ड्यूटी के हिसाब से, पर डे की ड्यूटी 8 घंटे के करते हैं और 31 रुपये, लेकिन ये बहुत ट्रेनिंग का है और एक ड्यूटी का है। अच्छा। ट्रेनिंग करते हैं और ड्यूटी का है, तो अगर जब ट्रेनिंग के लिए उनको लाते हैं तो अगर आप यहाँ 7 दिन की ट्रेनिंग करेंगे तो 21 जी सर नहीं नहीं उपकरण है हमारे पास। जी जी, आप हमारे पास उपकरण है और हम लोग उपकरण को भी आधुनिक करने के लिए कटिबद्ध हैं। आप हर जनपद में हमारा एक स्टोर है जहाँ तरह तरह के इक्विपमेंट्स है। साइरन बजाना तो आप समझते हैं 26 जनवरी और 30 जनवरी का हमारे काम होते हैं, लेकिन हमारे पास साइरन के अलावा और उपकरण है, हेलमेट है, बॉडी प्रोटेक्टर्स हैं, तमाम तरह के उपकरण हैं, रस्सियां हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं। तो नागरिक सुरक्षा के पास इन जनपदों में अपना अलग बाकायदा स्टोर है, हमारा एक कार्डर है स्टोर मैन का, स्टोर कीपर का, और ये उपकरण है साहब, तो आधुनिकीकरण करना ही है। साइरन सुना होगा सर आपने, जरूर साइरन सुना होगा, बॉडी प्रोटेक्टर देखे होंगे। और भाई कहाँ है तोमर सर? भाई साहब को दिखाइए फिर ले जाके कभी स्टोर में, भाई सीटीआई में ले जाके। प्रशिक्षण कब से नहीं दिया गया? रेगुलर चल, प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है, चल रहा है। अच्छा, एक बात बताना और था, जो हमारा सीटीआई मैंने उल्लेख किया है, प्रशिक्षण सत्र चलते हैं, 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, और ये प्रशिक्षण हम अन्य विभागों के लिए भी कराते हैं, साथ साथ जनपद स्तर पर भी हमारे प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जैसे मॉक ड्रिल है, हम नरोरा में हैं तो एटॉमिक पावर प्लांट वालों के साथ मिलकर कराते हैं, मथुरा में हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वालों के साथ कराते हैं, चंदौली में हैं ऑयल कॉरपोरेशन के साथ कराते हैं, स्थानीय प्रशासन आर्मी के साथ और पुलिस के साथ और जो ऑयल कॉरपोरेशन हैं उनके साथ, अन्य लोगों के साथ हम वहाँ भी प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन ड्रिल्स कराते हैं। तो प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, जनपद स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर। डिफेंस एक्सपो में वॉलंटियर लगाए गए? डिफेंस एक्सपो में अभी आपको नागरिक सुरक्षा के जो हमारे लखनऊ के डिप्टी कंट्रोलर, इनको वॉलंटियर के रूप में भी लगाया गया है, सहयोगी के रूप में लगाया गया है। तोमर साहब सर मांगे नहीं, तो मांगेंगे, अभी आप लोगों को ट्रेनिंग हो गई है। हाँ, लेकिन मांगा नहीं, मांगा नहीं।
सर मेरा एक सवाल था जी, जैसे प्रकृति आपदा में आप लोग सक्रिय रहते हैं, तो जो मतदाताओं के अंदर जो अवेयरनेस लाने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें आगे कैसे रोड मैप है आप लोग ताकि वोटर परसेंट और बढ़े? जो स्वीप की एक्टिविटी है बहुत अच्छा काम हुआ गत वर्ष, तो मैं समझता हूँ एक हम उल्लेखनीय कार्य हुआ है क्योंकि जिला प्रशासन ने कराया है। और ये काम मुख्यतः चूँकि निर्वाचन आयोग या लखनऊ में CEO या हम लोग या निदेशालय, उससे ज़्यादा वहाँ जिला प्रशासन सक्रिय रहता है। और ये इसीलिए मैं उल्लेख उसका किया हूँ कि जिला प्रशासन में जो जिलाधिकारी महोदय लोग हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं और हमारे नियंत्रक हैं, उन लोगों ने उपयोग हमारा किया है, हमारे स्वयंसेवकों का, हमारे कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग किया है। और मैं समझता हूँ करेंगे, जैसे 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 हम लोग अपनी उपाय देता स्पष्ट करते जाएंगे और करेंगे। तो स्वीप में जी जी एक बात केवल और लास्ट में बता के कि आप लोगों ने भी पिछले साल भी देखी होगी परेड जो राष्ट्रपति गवर्नर साहब के सामने यहाँ होती है, उसमें पहली दफ़े नागरिक सुरक्षा संगठन लखनऊ ने, और उसमें मैं अपने चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा जी यहाँ लखनऊ के और अधिकारी यहाँ हैं, उन लोगों ने भाग लिया। ये उससे कहा गया कि हम लोग जितने जो जिलाधिकारी जिलों पे परेड होती है 15 जिलों में, इस वर्ष सभी ने परेड किया है। और ये परेड करना मात्र परेड करके दिखाने की बात नहीं थी, ये था कि अनुशासन रहेगा, साथ रहेंगे, भाईचारा बनेगा। तो सभी नागरिक सुरक्षा जनपदों में दूसरी बार परेड हुई, पहली दफ़े परेड हुई और दूसरी बार लखनऊ में ही, जो मैं समझता हूँ बहुत उत्कृष्ट हुई है। तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ & व्यूज़ को।